बीजेपी कार्यालय में आज स्वामी सहजानंद सरस्वती की 17वीं पुण्यतिथि दिवस कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल मौजूद रहे। कार्यक्रम में बिहार सरकार के मंत्री मंगल पांडे एवं मंत्री प्रेम कुमार भी मौजूद रहे। कार्यक्रम का उद्घाटन प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि सहजानंद सरस्वती ने किसानों को लेकर जिस तरह का काम किया है और समाज को मजबूत करने का काम किया है, उससे बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं को सीख लेनी चाहिए और उनसे आदर्शों पर चलना चाहिए। पटना से सिटी हलचल के लिए राजेश तिवारी की रिपोर्ट। पहली बार स्वामी सहजानंद सरस्वती जी की पुण्यतिथि आज मनाई जा रही है और मैं भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं को यह अनुरोध करूंगा कि स्वामी जी के जीवन को जरूर पढ़ें, उनके जीवन से जरूर शिक्षा लें। एक ही व्यक्ति के पास संन्यास, राष्ट्रवाद, किसानों की रक्षा, यह तीन चरित्र एक व्यक्ति में किसी में समाहित था तो वह स्वामी सहजानंद सरस्वती जी थे। शंकराचार्य जी के आश्रम से दक्षता लेकर के जो उन्होंने छोटी हमारी सनातन विद्या है उन पर जो किताब लिखी वह भी एक विश्व में उदाहरण है। किसानों के आंदोलन के लिए महात्मा गांधी जी से भी बड़ा भिड़ने से नहीं खींचे और कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने वर्षों तक आंदोलन में साथ दिया, जेल गए, खादी को आगे बढ़ाया, लेकिन जब किसानों को लेकर के गांधी जी से इस बात पर मतभेद हुआ कि जो बहुत सारे उस समय जमींदार कांग्रेस के साथ थे और उन्होंने जब चार दरभंगा महाराज से आबाद कर लीजिए किसानों की समस्या पर, तो एक मिनट भी किसानों के हित के लिए उन्हें महात्मा गांधी जी के साथ छोड़ने में नहीं लगा और उन्हीं के उस समय के प्रयासों का नतीजा है कि किसान पहली बार वही एक हस्ती होती है, किसान की भी कोई प्रतिष्ठा होती है। यह स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने ही इस बिहार की धरती पर और भारत की धरती पर